यमुना प्राधिकरण द्वारा जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बाद अब विकास आगे बढ़ चला है। यमुना प्राधिकरण द्वारा मथुरा में भी हेरिटेज सिटी का डेवलपमेंट होने वाला है। इसको लेकर हमारे साथ यमुना प्राधिकरण के सीईओ मिस्टर अरुण वीर सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का डेवलपमेंट आगे बढ़ने वाला है। सर, मथुरा के बारे में थोड़ा सा बताइए, जो हेरिटेज सिटी के बारे में बात करें। ये देखिए, जो राया अर्बन नोड एक हमारा मास्टर प्लान में था और उसका मास्टर प्लान सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। उस मास्टर प्लान में जो है 731 हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो कि हेरिटेज कॉरिडोर के लिए, टूरिज़म के लिए डेवलप की जानी है, और 109 हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो रिवर फ्रंट के लिए, 840 हेक्टेयर ज़मीन है और एक्सप्रेसवे से लेकर के ये यमुना नदी तक है और जहाँ से वृंदावन शुरू होता है उसको जोड़ रहा है। तो दोनों वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा जो वृंदावन शहर में जो विकास हो रहा है और ये जो हमारा ये जो प्रस्तावित नोड है, अर्बन नोड है, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, इसलिए दोनों में जो है वो सामंजस्य हो जाएगा और एक नया जो कनेक्टिविटी है वो दो तरफ से एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट वृंदावन और बाकी हरी मंदिर तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। और दो कनेक्टिविटी के साथ साथ यहाँ पर जो है मिनीचर्स बनाए जाएंगे और ये परिकल्पना की गई है कि जैसे कृष्ण का जीवन जो बीता मथुरा में, उनके बाल्यकाल का, जिन जिन जगहों पे रहे, उनसे रिलेटेड जो हिस्टोरिकल गांव हैं, उन सब के उस ज़माने की आर्किटेक्चर को, डिज़ाइन को फिर से जीवित किया जाए, फिर से दिया जाए, तो उसमें नंदगांव, बरसाना, गोकुल, इस तरह की चीज़ें बना करके और उसको एक परिक्रमा मार्ग के साथ जहाँ पैदल लोग भी टूरिज़म के पूरे नेचर को देख सकें और एक उसमें रोड कनेक्टिविटी भी होगी कि मोटर वहीकिल के साथ भी आप पूरा टूरिज़म सर्किट को देख सकते हैं। सर, जैसे डेवलपमेंट कहीं भी होता है तो सबसे पहले स्थानीय लोगों का अपना इशू होता है कि भाई हमारी ज़मीन जा रही है, हमारा भविष्य क्या होगा, उन चीज़ों को कैसे हम लोग टैकल करेंगे। और दूसरी बात पूछे सवाल सर, जैसे पुराना शहर है तो वो कंजस्टेड रहता है, तो जो टूरिज्म के लोग आते हैं तो भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, तो उसको कैसे आप लोग हल करेंगे? ऑलरेडी वृंदावन विकास प्राधिकरण विकास परिषद द्वारा उसको जो भीड़ भाड़ और ट्रैफिक के मैनेजमेंट के लिए कई योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं तथा वो लोग इससे काम कर रहे हैं। हम पैरेलल जो है वो 700 मीटर की दो कनेक्टिविटी रोड देंगे जो कि फर्दर इसको स्ट्रेंथन करेगा और अपने आप व्हीकुलर मूवमेंट बहुत आसान हो जाएगा और पैदल मार्ग भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा एक पुल का भी बात है प्रस्तावित है जो कि विकास परिषद द्वारा कराया जा रहा है। और जहाँ तक जमीन की बात है तो यहाँ पर लैंड पूलिंग से हमारे बोर्ड ने अप्रूव किया है कि लैंड पूलिंग से ऋण ली जाए जिससे कि विकास में किसानों की हिस्सेदारी हो सके। लैंड पूलिंग में लैंड एक्विजिशन से ज़्यादा बेहतर विकल्प है क्योंकि उसमें स्टेक होल्डर्स आप बन सकते हैं हर चीज़ के, तो मिक्स लैंडिंग भी आपको मिल सकता है, ग्रुप हाउसिंग मिल सकती है, कमर्शियल मिल सकता है, उसी तरीके से लेंगे और लैंड पूलिंग मॉडल को ही वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग कितना टाइम लगा, डेट टाइमिंग क्या है? देखिए, हमने ऑलरेडी इसके लिए जो है वो बिड अपलोड कर दी है कंसल्टेंसी मिस्ट्री के लिए और प्री बिड हो चुकी है और जो बिड है वो 8 जनवरी को करेगी, उसके एक सप्ताह के अंदर कंसल्टेंट का चयन हो जाएगा और 2 महीने में DPR तैयार करेगा। इसके बाद इसकी बिलिंग हम करेंगे, ग्लोबल बिलिंग करेंगे और जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक हमारे पास बिडर होगा और 4 साल इसका टाइम पीरियड है, 2025 में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और शुरू में 8 से 40 जो हेक्टेयर डेवलपमेंट है टूरिज़म का और रिवर फ्रंट का किया जाएगा। कुल मिलाकर आपको अभी 5 साल का और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए बिड की तैयारी हो चुकी है और आने वाला जो समय होगा वो वृंदावन मथुरा के लिए एक स्वर्णिम पल होगा।